हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए देखते हैं। अभी आज का जो वीडियो है वो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के मैकेनिज्म पे। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म आने के चांसेस है उसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। तो अब यहाँ पे ये जनरल है, तो हो सकता है एग्जाम में कोई एग्जाम्पल दे के भी पूछ ले, मतलब लेवल चेंज हो सकता है, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पर इसमें थ्री स्टेप्स यूज होते हैं। फर्स्ट स्टेप में देख लीजिए कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। देखो अभी ये हाइड्रोनियम आयन है, वाटर में एक प्रोटॉन ऐड करके बना हुआ हाइड्रोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज हो रहा है यहाँ पर ये। तो ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, मतलब यहाँ से प्रोटॉन जाकर यहाँ पे अटैच होने वाला। देखो यहाँ से जो प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन जाके यहाँ पे अटैच होगा, लेकिन प्रोटॉन जो वो इलेक्ट उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। देख लीजिए, ओके बॉन्ड। तो ये बन गया आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दिख रहा है यहाँ पर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये देख लीजिए, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन गया, बराबर है। और ये बन गया आपका क्या, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4 वैलेंसी है। अब इसका वैलेंसी कितनी, 1 2 3, तो यहाँ पे एक वैलेंसी कम है, उसलिए इसमें प्लस चार्ज, डेफिशिएंसी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, आसान है। तो देख लीजिए अभी, बहुत आसान। पहले इसमें प्रोटोनेशन हुआ अल्किन में और बन गया कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे हो सकता है कोई एग्जांपल दे दे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, कुछ भी दे दे, तो प्रोसेस वही अक्रॉस डबल बॉन्ड, तो कहीं भी एक साइड आप अटैच करेगा। और इसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, तो फिर उसको रीअरेंज भी करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर उन्होंने थोड़े से बड़े एग्जाम जैसे कि जी दिया उन्होंने, ठीक है ना, प्रोपीन दिया जैसे, तो तब फिर सोचना पड़ेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तब वहाँ पे चेंज हो सकता है। लेकिन अब वो क्वेश्चन भी देख के कीजिए, ऐसे सभी लोग नीट और JEE की तैयारी करते हैं तो इतना भी समझ में आ ही जाता है, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं यहाँ पर, अल्किन जहाँ पे इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अब देखते हैं इसका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जैसे ये वाटर इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ का लोन पेयर यूज़ होगा, देखो यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये बन गया आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन, तो बन गया इंटरमीडिएट, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, डी प्रोटोनेशन। देखो यहाँ से अब ये प्रोटॉन निकल गया, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर आ गए, क्योंकि इस पर डेफिशिएंसी आ गई, नहीं तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और प्रोटॉन बाहर गए, ये प्रोटॉन जाके जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा और बन जाएगा आपका क्या, अल्कोहल फॉर्म हो गया। देखो CCOH अल्कोहल और हाइड्रोनियम बाहर, क्योंकि ये हाइड्रोनियम जो आता है वो H+, वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम आपका एसिड से आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से आता है वो, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ये हो गया आपका फर्स्ट मैकेनिज्म कंप्लीट। ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन, सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्ब, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल, कर लीजिए। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग है, ऐसा फटाफट इतना लिखना पड़ेगा अगर आया तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया है, कौन सा मैकेनिज्म, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन कंप्लीट हो गया, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड देता हूँ मैं आपको। ओके, अब देखते हैं सेकंड मैकेनिज्म इस चैप्टर का, मैकेनिज्म ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन करना है इसके अंदर हमको। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो H+ आ रहा है, ये प्रोटॉन है, फर्स्ट स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जो एल्कोहल लिया, एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे इसमें, क्योंकि आपके टेक्स्ट में एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसी पैटर्न से कर लेना है, ठीक है ना। तो आप देखिए इथाइल एल्कोहल, तो इस पर हमने ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, तो इस पर अटैक करेगा। देखो ये यहाँ पर अटैक करेगा, डायरेक्शन तो लोन पेयर टू रहता है, ठीक है ना। ये एरो बोले अब इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सरूल ऐसा है, लोन पेयर टू जो एक्सेप्ट करेगा, ये डोनर है ये एक्सेप्ट है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया, बन गया देखो प्रोटोन, और इसका एक लोन पेयर यूज हो गया देखो ऑक्सीजन का, तो इसलिए प्लस चार्ज आ गया इसमें। ये बन गया क्या, प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल, और फर्स्ट स्टेप होगा, फास्ट स्टेप है ये, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं सेकेंड स्टेप इसका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए तो अभी यहाँ पे इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बीच में, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएंगे, तो यहाँ से देखिए आपका निकल जाएगा H2O, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, डेफिशिएंसी यहाँ पर देख लीजिए।
तो अब इसकी वैल्यू देख ली, 1, 2, 3, तो एक वैलेंसी कम है उसके लिए उसमें प्लस चार्ज आएगा, तो ये बन गया आपका इथाइल कार्बो कैटाइन फॉर्म हो गया। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, अब जो अब इसमें क्या इथाइल कार्बो कैटाइन से प्रोटॉन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा इथिन, तो लिखा देखो फॉर्मेशन ऑफ इथिन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन निकालना है आपको। देखो तो ये इसमें से तीनों एच में से कोई एक एच आप निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आ गया कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपका प्रोटॉन बाहर, तो बन गया। देखो मैंने अभी यहाँ का शो किया, मैं इसको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया है, ठीक है ना, ऊपर ऊपर, तो यहाँ का एक्चुअली यहाँ का निकाला है, इसके नीचे का मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। देखो इथिन बन गया और प्रोटॉन बाहर, क्योंकि ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए अब देख लीजिए, अब ये हो गया आपका पूरा मैकेनिज्म, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म, इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसके पहले जो हमने किया है वो इंट्रा मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल मतलब एक ही इथाइल अल्कोहल से वाटर निकलेगा, ठीक है, अल्फा पोजीशन से आपका OH और बीटा पोजीशन से H निकलता है, ठीक है, तो वाटर ऐसे निकलेगा। इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल लेंगे ऐसे इथाइल अल्कोहल, तो इसमें से एक से OH और एक से H, ऐसे करके वाटर निकलेगा, वो तो रिएक्शन हो गया। लेकिन अभी मैकेनिज्म क्या है उसका देख लीजिए, तो इसमें भी तीन स्टेप यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल पहले स्टेप में रहता हूँ, पहले स्टेप सेम है जो हमने इसके पहले जो पढ़ा है, तो प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा तो यहाँ का लोन भी यूज़ करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसका लोन पे यूज़ कर लेती है, हो गया प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। तो इंट्रा मॉलिक्यूल इंटर दोनों के पहले स्टेप सेम है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में, देखो अब ये जो इथाइल अल्कोहल है ये न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल पे, जैसे इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे लेगा, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन पे इसको दे देगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और ये CH2CH से जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ बन गया एक नया बॉन्ड, तो इस पे अभी आपका आ गया प्लस चार्ज क्योंकि एक लोन पे यूज़ कर लिया, यहाँ पे देखो ये लोन पे लेके बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, तो प्लस चार्ज आ गया। ये बन गया आपका डाईथाइल ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आइन बोल सकते हैं इसको आप, सॉरी डाईथाइल ऑक्सोनियम आयन आप बोल सकते हो इसको, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है, तो कर लीजिए इसको नोट। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड स्टेप, डी प्रोटोनेशन टू गिव डाइथाइल ईथर। अब फिर प्रोटॉन निकाला, ये जो लिखा ना एक्स्ट्रा प्रोटॉन ये निकालना, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इसकी डेफिनेशन रिमूव हो गई ऑक्सीजन की, देखो रिमूव हो गई ऑक्सीजन की और आपका ये प्रोटॉन बाहर निकल गया क्योंकि ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये तो कैटलिस्ट है, ये तो यूज़ होगा नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये प्रोटॉन बाहर आ गया, ये बन गया आपका डाइथाइल ईथर। देख लीजिए कितना आसान है, फर्स्ट स्टेप फास्ट है, सेकंड स्टेप स्लो, शायद मैंने लिखा नहीं सुपर एरो के ऊपर, आप देख लीजिए सेकंड स्टेप स्लो है, थर्ड स्टेप फास्ट, मुझे याद नहीं अभी लिखा कि नहीं, तो सेकंड स्टेप स्लो रहेगा, फर्स्ट फास्ट सेकंड स्लो थर्ड अगेन फास्ट। चलिए इतना कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब ये जो एग्जांपल है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म, तो उसको मैं एग्जाम्पल फॉर्म में ले रहा हूँ इसको, ठीक है ना, अब बोर्ड के लिए भी काम का है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काम का है, तो ये कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसके आगे पहले आपको तीन करा चुका हूँ, अब ये चौथा मैकेनिज्म, तो इस चैप्टर से चार मैकेनिज्म आपको बहुत बढ़िया तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसा बनाया, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HI ऑन 3-methyl-butane-2-ol। अब बहुत से लोग इसको 3-methyl-butane-2-ol बोलते हैं, ठीक है, देखो अब ये रिएक्शन लिख दिया मैंने, देखो 2-methyl-butane-2-ol पे HI अटैक किया तो बनेगा यहाँ पे 2-iodo-2-methyl-butane। अभी कैसा होगा, यहाँ पे OH है तो ये आयोडीन इसको रिप्लेस करके, तो ये OH यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब आयोडीन यहाँ पे आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्यों हो गया, वही मैकेनिज्म समझना है हमको। यहाँ पर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होने वाला है। देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है, तो इसमें भी हम तीन स्टेप यूज़ करेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप है, द अल्कोहल इज प्रोटोनेटेड बाय एसिड, एसिड लिया हमने HI, तो HI से H आ गया, H देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ मुझे आएगा आपका H, तो ये ऐसा हो गया, देखो पहले से OH था, एक और H हो गया और इसमें डेफिशिएंसी आ गई क्योंकि इसका लोन पेयर यूज़ कर लिया भाई, उसके वैलेंस शेल जो रहते हैं ना ऑक्सीजन के, वो उसमें जो प्रेजेंट वैलेंस शेल में लोन पेयर वो यूज़ कर लिया, उसलिए इस पर आ गया प्लस चार्ज, तो ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं स्टेप सेकेंड, इसमें इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। देखो सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, देखो कैसे होगा फॉर्म, यहाँ पे देखिए यहाँ पर डेफिशिएंसी है,
तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आ जाएंगे, तो आपका वाटर बाहर निकल गया और इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 2 3, एक हाइड्रोजन है, 3 है बस, उससे बन गया आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब देखिए, अब जो थर्ड स्टेप है वो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, पहले वो रीअरेंज होकर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगा और टर्शरी पे अटैक मारेगा क्या, आयोडीन, मतलब न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देखो, ये अटैक मारेगा यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल है आयोडीन, और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ये बन जाता है स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन, नीचे ले देता हूँ कार्बोकेटाइन, ये ऐसा बना है, ठीक है ना, रिया जो के बन गया है आपका कार्बोकेटाइन, जगह कम है जरा, देखो ये बना, यहाँ पे ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है देखो यहाँ पर। तो अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को लेकर इसको ये बन जाएगा आपका हाइड्राइड आयन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, आपको हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो गया, ये हाइड्राइड जाकर ये जाके स्पैटच होगा, तो यहाँ पर CH2 और 2 3 4 4 वैलेंसी होगी, अब यहाँ पे आ जाएगा डेफिशिएंसी, तो यहाँ प्लस चार्ज, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन, अब इस पर अटैक करेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और बन जाएगा आपका क्या, ये बन गया आपका टर्शियरी अल्का हैलाइड बन गया, ठीक है, इसका नाम है 2-iodo-2-methyl-butane नाम है, ऊपर लिख चुका हूँ इसका नाम, ठीक है ना, देख ले ऐसा है, बहुत बढ़िया है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो सकता है, मिथाइल अनायन ट्रांसफर हो सकता है, फिनाइल अनायन ट्रांसफर हो सकता है, तो ऑर्डर ये था हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल, ये ऑर्डर होता है, देखो इसमें आगे जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ऐसे आएगा, देखो हाइड्राइड आयन पहले ट्रांसफर होगा अगर तीनों एक साथ है तो, फिर दूसरा होगा मिथाइल अनायन ट्रांसफर होगा, फिर फिनाइल अनायन, ये आपको आपके काम आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएंगे, ऐसे ये ऑर्डर उनका है हाइड्रेंड ट्रांसफर्स के, ट्रांसफर के लिए, तो यहाँ 1-2 ट्रांसफर हो रहा है, ये 1-2, तो 1-2 ट्रांसफर बोलते हैं, तो 1-2 हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1-2 हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, ऐसा लिखा जाता है। मिथाइल होता, अब यहाँ मिथाइल हाइड्राइड हाइड्रोजन, उसके लिए मिथाइल नहीं करेंगे हम, मिथाइल भी कर सकते थे लेकिन हाइड्रोजन नहीं चाहिए था तब, मतलब यहाँ फिनाइल होता तो फिर मिथाइल करते, ठीक है ना, और मिथाइल और फिनाइल दोनों, फिर मिथाइल, फिर आपको करना मिथाइल को, और मान लो कि यहाँ पर कुछ और होता और फिनाइल होता तो फिर फिनाइल करते, तो डिपेंड करता है कंडीशन कैसे दिए रिएक्शन की, तो ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा आपको, तो इतना कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो गए आपके कंप्लीट इस चैप्टर के पूरे मैकेनिज्म सारे, इतने कर लीजिए, बढ़िया हो जाएगा आपका तैयारी, ठीक है ना, चलिए अब इसको पढ़ते रहिए, और क्या डाउट आते हैं, क्या प्रॉब्लम आते हो कमेंट्स करके मुझे बताते रहिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ऐसे थोड़ा सा कैसा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत लेक्चर्स लेने पड़ते दिन भर, उसके बाद फिर ये भी करना है, इसको भी करना है अरेंज, ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, जितना होगा अच्छा करेगा, अभी एक और चैप्टर रह गया है बस पॉलीमर्स पे, एक मैकेनिज्म उस पर, तो वो एक करेगा तो मैकेनिज्म की सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ न्यूमेरिकल की सीरीज, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगी इसके बाद, ठीक है ना, चलिए तब तक पढ़ते रहिए।